आज हम मैं क्यों क्या बात करने वाला हूँ इस पर। तो जन सरोकार मंच जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, कुछ खास मुद्दों को लेकर, खासकर सामाजिक सरोकार के मुद्दे, जिसमें अलग अलग विषयों के जो एक्सपर्ट हैं उनको समय समय पर ये लोग लेकर आते हैं। और वो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, कई बार कोरोना से संबंधित है, कई बार शिक्षा से संबंधित, साहित्य से संबंधित, और इन अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ। तो देवेंद्र भाई का कहना था कि कुछ इस बार हम ऐसा करें कि पत्रों को लेकर बातचीत करें। पत्र एक विधा के रूप में मुझे लगता है कि सारी ही विधाओं में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा रही है एक समय, और जन जन तक जिसकी पहुंच रही है। जीवन में मेरे ख्याल से सबने कोई ना कोई खत या पत्र लिखा है। तो पत्रों को लेकर, हालांकि पिछले कुछ समय में, जब से मेरे ख्याल से 2013-14 के बाद व्हाट्सएप वगैरह का चलन बढ़ा, उससे पहले ईमेल का जो आया था मामला, तो इनमें चूंकि संदेश भेजना टाइप करना बहुत आसान हो गया, तो पत्रों का चलन उस तरीके से नहीं रह गया जिस तरीके से बड़े लेवल पे हुआ करता था। लोग अपने दूर बैठे रिश्तेदार को, गांव से शहर में बैठे हुए परिवार के व्यक्ति को पत्र लिखते थे, उसमें अपनी सारी भावनाएं वो अपनी जाहिर करते थे। तो पत्र एक विधा के रूप में बहुत प्रचलित विधा रही है और जन जन तक पहुंची हुई विधा रही है। पुरानी फिल्में भी देखें तो बहुत सारे गीत खतों को लेकर लिखे गए, डाकिए को लेकर लिखे गए। डाकिया हमारी संस्कृति और परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है उसकी। अभी भी औपचारिक पत्र ज़्यादातर हमें डाक से ही मिलते हैं, तो उसका एक महत्व है। नौकरी मिलने की सूचना हो या कुछ चीज़ हम आजकल ऑनलाइन वगैरह मंगाते हैं तो वो भी आता है, तो अलग रूप इसने रखा है अपना। पर पत्रों में जो एक रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं वाली बात थी कि प्रेमिका अपने प्रेमी को लिखती है या लिखती थी, पत्नी पति को, या पति पत्नी को, या किसी भी रिश्ते में माँ बेटे को, पिता पुत्र को जो कि सीमा पर है, तो इस तरह से बहुत तरह के खत लिखे जाते थे और उसमें पूरी भावनाएं, पूरा जीवन का फलसफा शामिल किया जाता था। कुछ पत्र तो हमारे इतिहास में इतने प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने डिस्कोर्स बदलने का काम किया, एक पैराडाइम शिफ्ट का काम किया कई क्षेत्रों में। कुछ पत्र बहुत प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में जो विमर्शों का केंद्र बने। जैसे अगर हम भारत में देखें तो पिता के पत्र पुत्री के नाम जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखे, आज भी एनसीईआरटी की किताबों में भी मैंने उसको पढ़ा है कि शामिल किया गया है, और उससे हमें उस समय की देश काल परिस्थिति का जितनी जानकारी मिलता है उतना मेरे ख्याल से और चीज़ों से सुलभ और सहज तरीके से हम नहीं समझ सकते। साहित्य और इतिहास की अपनी एक अलग भाषा है, उसको समझने के लिए एक अलग धैर्य और स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन पत्रों को बहुत आम लोग, साधारण लोग भी लिखते थे, समझते थे, तो पत्रों का अपना एक महत्व है। तो नेहरू के पत्र जो इंदिरा के नाम उन्होंने लिखे, गांधी जी बहुत पत्र लिखते थे पूरे जीवन में, वो रोज़ पत्रों का जवाब दिया करते थे, पत्र छापते भी थे वो अपनी पत्रिकाओं में, हरिजन वगैरह में। गांधी और अंबेडकर का संवाद हुआ है जाति व्यवस्था को लेकर, वो पत्रों के माध्यम से अपने समय की एक अनमोल धरोहर है। लिंकन का पत्र जो उन्होंने अपनी अपने अपनी संतान के टीचर को लिखा, जो हम बीएड एमएड और इतना बड़ा करिकुलम पढ़ते हैं एक टीचर को तैयार करने के लिए, पूरा फलसफा है उस पत्र में। तो पत्रों की अपनी एक दुनिया रही है, पत्रों का अपना एक रोल रहा है हमारे जीवन में। तो उन्हीं पत्रों का संदर्भ लेकर आज ये लाइव मैं कर रहा हूँ, और इसमें मैंने समय समय पर, चूँकि अब व्यक्तिगत लेवल पे तो पत्र लिखने का चलन नहीं रहा, व्हाट्सएप है, ईमेल है और सोशल मीडिया के बहुत से साधन हैं, लेकिन मैंने और बहुत से लोग इस समय पत्र की विधा का जो महत्व है उसको समझते हुए और उसके उसकी पहुंच को समझते हुए, आजकल मैं देख रहा हूँ सामाजिक दायरे में खुले पत्रों का चलन बहुत बढ़ा है। किसी घटना से आहत होने पर,
किसी घटना से बहुत प्रभावित होने पर, प्रसन्न होने पर लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया है, अखबारों में, पत्रिकाओं में वो पत्र छापे जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी समय समय पर कुछ पत्र लिखे, एक खुले पत्र के तौर पर जो सार्वजनिक उद्देश्य को लेकर, जिसमें से मैं दो पत्र को आपके सामने आज पढ़कर सुनाऊंगा, और जिसे आप अभी लाइव भी सुन सकते हैं, बाद में वो जन सरोकार मंच के साइट पर रहेगा, वहाँ से सुना जा सकता है। तो ये जो दो पत्र हैं, ये एक पत्र मैंने लिखा अभी जो शिक्षक दिवस गया भारत में 5 सितंबर को, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल बंद, हम विद्यालयों में रेगुलर नहीं जा पा रहे, जा भी रहे हैं तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन तरीके से ही हम पढ़ा पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मिलना जुलना बंद है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं कैसे बहुत से बच्चों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं, पाठ्यक्रम से इतर भी, जो मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जो मैं उनको एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कहना चाहता हूं, तो किस तरह से कहूं। तो मेरे मन में विचार आया कि खुला पत्र एक शिक्षक लिखे अपने विद्यार्थियों के नाम, जिसको मैं अपने स्तर पर जहाँ तक हो सके बच्चों तक पहुँचाऊँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से, और अगर संभव हो पाए तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी, और वो कुछ साइट्स पर छपी भी, जैसे जन चौक पर और द हिंद एक अखबार है उसमें छपी, सोशल मीडिया में मैंने डाली, अपने बच्चों को जो व्हाट्सएप समूह है उनमें डाली, तो बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा और सराहा भी। तो पत्र मैं सोच रहा हूँ मुझे शुरू करना चाहिए, तो वो पत्र मैं पढ़ता हूँ। तो दो पत्र मैं सुनाऊँगा, एक मैंने पुत्री दिवस पर, डॉटर्स डे पर बेटियों के नाम लिखा था, इसके बाद उसको सुनाऊँगा, और अभी मैं सुनाऊँगा शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों के नाम शिक्षक का पत्र, जो अभी पिछले 5 सितंबर को मैंने लिखा था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और इसमें कही गई बातें कुछ एक लार्जर उद्देश्य के साथ हैं, तो वो आप देख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर तुम सबसे कुछ कहने का मन है। सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें लगता होगा कि क्लास में हम शिक्षक ही तुम्हें पढ़ाते सिखाते हैं, पर यकीन मानो, अनुभव में तुम सबसे ज़्यादा होते हुए भी हम शिक्षक भी रोज़ कुछ नया सीखते हैं। तुम्हारी बातें, जीवन के अनुभव, चंचलता, कभी कभी हैरान कर देने वाले काम, सबसे बढ़कर बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा, यह सब बातें हम शिक्षकों को नया सीखते रहने को प्रेरित करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये आदतें कुछ कम हो जाती हैं, पर तुम सब में तो भरपूर होती हैं। वैसे सीखना अधिकतर मामलों में सामूहिक ही होता है, और इस मामले में हम सब एक टीम है। क्लास के अंदर अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ सीखने, मजे करने का जो अनुभव होता है, वह ताउम्र याद रहता है। मुझे तो यह एहसास इतना याद रहा कि पूरी ज़िंदगी मैंने स्कूल में रहना ही चुना और शिक्षक बना। शिक्षकीय पेशे में होना हम शिक्षकों के लिए महज 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, बल्कि पूरा जीवन होता है। शिक्षक अक्सर आप लोगों को विषयों को पढ़ने, याद करने, अभ्यास करने, लिखने और दोहराने को कहते रहते हैं, पर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई और किताबें बेशक बहुत उपयोगी हैं, लेकिन ज़िंदगी किताब नहीं है। किताबें तो बस उसे समझने में मददगार होती हैं। कुछ भी करते हुए हम सीखते रहते हैं, इस करने में खेलना, महसूस करना, कामों में हाथ बटाना, घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, जानवरों और पक्षियों को देखकर खुश होना, प्रकृति को निहारना, सभी कुछ शामिल है। इसीलिए यह सब खूब मन लगा के करो। हाँ, जीवन में अनुशासित होना ज़रूरी है। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए और सभी कामों में सामंजस्य बनाना चाहिए। अपने विषयों और दूसरी अच्छी किताबों को मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, लिखना एक मज़ेदार गतिविधि है। अपने अनुभवों को कहानी, संस्मरण, कविता, चित्र आदि के रूप में दर्ज करने से हमारी रचनात्मकता तो बढ़ती ही है, हमारे स्वयं के सोचने समझने के कई सिरे खुलते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। खिलते हुए फूल, उड़ती हुई चिड़िया, आसमान में तैरते हुए बादल, बहती हुई नदी, सब कुछ कितने अच्छे लगते हैं, है ना?
ऐसी बहुत सी बातों ने मनुष्यों को खोजने और आविष्कार करने को सदा प्रेरित किया। जरा सोचो, उड़ती चिड़िया को देखकर ही तो इंसान के मन में सबसे पहले उड़ने की बात आई होगी, और वह हवाई जहाज बनाने को प्रेरित हुआ होगा। एक बात और, गलती, भूल, सुधार, ये सब सीखने के हिस्से हैं। सफलताएं हमें बेहतरी की ओर ले जाने को प्रेरित करती हैं, तो असफलताएं भी बहुत कुछ सिखाती हैं। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिशन का नाम आप सबने सुना होगा। बहुत बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। वे कहते थे कि हर बार असफल होकर मैं ये सीखता हूँ कि इस काम को इस तरीके से नहीं करना। अंत में उन्हें सफलता मिली और पूरी दुनिया रोशन हुई। बिना जगमग बल्बों के क्या आप आज की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? इसीलिए बिना सफलता असफलता की ज़्यादा परवाह किए बस नई नई चीज़ें सीखने का आनंद लेना चाहिए। और हाँ, सीखना पूरी सभी शिक्षक माता पिता शिक्षा जीवन को गहराई से समझने व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में मददगार होती है। वह हमें सोच समझकर फैसले लेने, परिस्थितियों का सामना करने, किसी भी बात को गहराई से समझने और अच्छा व्यवहार करने की क्षमता पैदा करती है। अपने आसपास के परिवेश और देश से प्रेम एक सहज मानवीय भाव है। जहाँ हमें अपने देश के गौरवशाली अतीत, स्वतंत्रता के साझे संघर्षों और संविधान में पिरोए गए मूल्यों पर गर्व करते हुए का सम्मान करना चाहिए, ऐसे प्रयास चाहिए को कोई भी देश या समाज पूरी तरह से दोष रहित नहीं होता। कमियों और चुनौतियों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। एक बात और, हमारा देश जहां विविधताओं से परिपूर्ण है, वहीं बहुत सारी असमानताएं भी हैं। हमें सभी और सम्मान दर्शाते हुए और एक दूसरे के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखते हुए शोषण, गैर बराबरी और अन्यायों के विरोध में आवाज उठानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से महज इस कारण नफरत के प्रति अलग सोच रखना, क्योंकि वह हमारी पहचान से अलग पहचानों से। शिक्षा हमें ऐसे पूर्वाग्रहों और बुरी धारणाओं से बचाकर बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाती है। बच्चों, तुमने गांधी जी का विश्व प्रसिद्ध जंतर पढ़ा होगा, जिसमें कुछ भी करने से पहले वह यह सोचने की को कहते हैं कि इस काम को करने से समाज के सबसे कमजोर का फायदा या नुकसान होगा। यदि हम जीवन में इसे अपना पाएं तो जीवन जीने का अमूल्य मंत्र साबित हो सकता है। ऐसा करके हम अपने देश और समाज को बेहतर बना सकते हैं। कोई भी देश वहाँ के लोगों से ही बनता है। लोगों की बेहतरी और सम्मान के लिए काम करना दरअसल देश के लिए काम करना है। यही सच्चा देश प्रेम और सच्ची देशभक्ति है। पढ़ाई लिखाई हमारी समझ को तराशती है। प्यारे बच्चों, सीखने के लिए जिज्ञासा का होना और सवाल पूछना जरूरी है। हर बात को बेहतर ढंग से और अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करो और जहाँ उचित लगे सवाल भी उठाओ। अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान कर पूरे जी जान से उसमें जुटो। कुछ भी करने से पहले सोचो कि इस काम से किसी का नुकसान या अपमान तो नहीं होगा, खासकर उनका जो समाज में गरीब, कमजोर या हमसे अलग पहचान वाले लोग हैं। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आपके माता पिता, अभिभावक, स्कूल, शिक्षक सब आपके साथ हैं। उम्मीद है आप भी इन लोगों को समझने का खूब प्रयास करेंगे और जहाँ जरूरी हो सहयोग भी करेंगे। आखिर हम सब मिलकर जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अकेले नहीं। मैंने पहले भी बताया ना कि हम सब एक ही टीम हैं। अंत में कहूँगा कि शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों की शुभकामनाएं हम शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे हमें असली खुशी अपने विद्यार्थियों की सफलता, उनकी अच्छाइयों और गुणों को देखकर मिलती है। याद रखना, तुम सब अनोखे हो। सब में बहुत कुछ अच्छा करने की क्षमताएं हैं। बस अपनी मजबूती को पहचानो और आगे बढ़ो। सब अच्छा होगा। जो अच्छा नहीं होगा उसे हम मिलकर अच्छा कर लेंगे। शिक्षक दिवस की सबको बधाई। जय हिंद।
आपका एक दोस्त टीचर। तो ये एक पत्र एक संवाद के रूप में जो मैं अपने विद्यार्थियों से करना चाहता था, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था और उनसे जुड़ नहीं पा रहा था कोरोना टाइम में। संध्या मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ये पत्र मैंने उस नज़रिए से लिखा। तो पत्र चर्चा में रहा, मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया, बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया, समाचार पत्र में छपा, कुछ वेबसाइट्स पे छपा जो मैंने पहले आपको बताया। तो इस तरह से पत्रों के द्वारा हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं और बहुत भावनात्मक रूप से हम जुड़ पाते हैं अपने जिससे हम मुखातिब होते हैं। और एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों से ज़रूरी कोई बात होती नहीं है जिनसे मुखातिब होना चाहते हैं बार बार। और जब रेगुलर स्कूल चलते थे तो हम रोज़ हो पाते थे, अब क्योंकि कोरोना में नहीं हो पाते हैं तो मुझे लगा एक खुला पत्र लिखना उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता। मैंने एक और पत्र लिखा एक समय में डॉटर्स डे पर बेटियों के नाम। तो चूंकि मेरी दो बेटियां हैं, पिता के रूप में मेरी कुछ भावनाएं हैं और एक बहुत अपनी अंदर का एहसास मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पिता होना, खासकर बेटियों का पिता होना, एक बहुत अलग सा एहसास है, एक अलग सा भाव है। मैं खुद इमेजिन करता हूं कि मेरी बड़ी बेटी जो 10 साल की है इस समय, दुनिया को जिस नज़रिए से देखता था, अपने आसपास के लोगों को जिस नज़रिए से देखता था, जिस तरह से उनसे पेश आता था, जैसे मैं समझता था दुनिया को, महिलाओं को खासकर, उसमें मेरे उस समझ में और आज की समझ में ज़मीन आसमान का अंतर है। कि बेटियों के होने से जो एक फ़र्क है, एक जो बहुत अच्छा फ़र्क है, वो मैं महसूस करता हूँ बार बार। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटियों से मुखातिब हूँ एक पत्र के माध्यम से, क्योंकि अभी वो छोटी हैं, बड़ी बड़ी बातें जो मैं उनको कहना चाहता हूँ अभी कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, शायद ना समझें, लेकिन मैं अपनी आज की इस भावना को डॉक्यूमेंटेड करना चाहता था कि कभी जब वो बड़ी होंगी तो शायद उसको पढ़ें। ये पत्र भी किस्सा कोताह पत्रिका में आई, सराही गई, सोशल मीडिया पे शेयर किया, बहुत से लोगों ने शेयर किया, बहुत सी साइट्स वगैरह पर गया। तो मैं इस पत्र को पढ़ता हूँ और आप उसको सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अब ये पत्र मैं पढ़ रहा हूँ और संध्या सिंह मैम जैसी जो बेटियाँ हैं पूरी दुनिया में, ये शायद उन्हीं को संबोधित है ये पत्र, मेरी बेटियों के साथ साथ दुनिया की सभी बेटियों को। तो डॉटर्स डे पर बेटियों के नाम पिता का पत्र। मेरी नन्ही परियों, आज डॉटर्स डे पर तुम्हारे लिए मैं अपने मन के कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक पिता के रूप में तुम दोनों का शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे होने से मैं खुद को एक बेहतरीन इंसान के रूप में पाता हूँ। तुम दोनों की मासूम उपस्थिति मुझे ज़्यादा संवेदनशील, भावुक और पूरी दुनिया की लड़कियों और महिलाओं के लिए जिम्मेदार बनाती है। तुम्हारे आने के बाद आज मैं जिस नज़रिए से जीवन और भविष्य को देखता हूँ, वैसा पहले नहीं था। और ये जो बदलाव है, ये बहुत ही सुंदर है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे घर को अपनी नटखट हरकतों, सवालों, शिकायतों, झगड़ों, मासूम गतिविधियों से भर देने वाली परियों, कभी ना खत्म होने वाली डिमांड मशीनों और बात बात में मुझे सीख देने वाली मेरी शिक्षिकाओं, तुम्हारे बिना तो मुझे अब मेरे अस्तित्व की कल्पना भी नहीं होती। पर एक पिता के तौर पर इस मौके का प्रयोग मैं तुम्हें कुछ सीख देने के लिए भी करना चाहूँगा। मेरी प्यारी बेटियों, ये दुनिया ऐसी नहीं है कि तुम्हारी मासूमियत और निश्चलता को उसी पवित्र भाव से ले। तुम्हें कदम कदम पर दूसरों के कपट, छल और बदनीयति का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग महज लड़की होने के कारण तुम्हें कमतर समझते हुए संरक्षक बनकर तुम्हारे लिए चलने फिरने, हंसने बोलने, उठने बैठने, पहनने सोचने, सब कुछ तय करने का प्रयास करेंगे। मान मर्यादा, संस्कृति, परंपरा, सभी कुछ तुमसे पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा की उम्मीद करेंगे, और ये ज़्यादा अक्सर तुम्हारी खुद की कीमत पर होगा। इसीलिए मेरी बच्चियों, खुद को तन और मन से खूब मजबूत बनाओ। इसलिए नहीं कि इन एक तरफा आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा कर सको, बल्कि इसलिए कि तुम इनमें से जो भी गलत है उसे नकार सको, जो भी तुम्हें सही लगे बिना किसी की परवाह किए कर सको।
जिंदगी के इस अनिश्चित राह में शिक्षा ही तुम्हें सही और गलत की पहचान की समझ दे सकती है, वही सच्ची दोस्त है। इसीलिए खूब पढ़ाई करो और आत्मनिर्भर बनो। ऐसा नहीं है कि कोई भी सच्चा और विश्वास करने योग्य नहीं है। दुनिया अच्छे और सच्चे लोगों से भी भरी हुई है जिन पर विश्वास किया जा सकता है। बस तुम्हें खुद में वो क्षमता पैदा करनी है जो लोगों की परख कर सके, तर्क की कसौटी पर लोगों को कस सके। एक बात और जान लो, पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही नहीं होती, बल्कि जिंदगी भी हर कदम पर सीख देती है, जिन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई लिखाई। हमेशा नए नए लोगों से मिलना, उनकी विविधताओं को स्वीकार करना, जरूरत के हिसाब से लोगों की प्रशंसा और उनकी मदद करना खुद के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, वैसे ही संकीर्ण, तंग और कट्टर नजरिया भी आत्मा को अपवित्र कर देता है। इसीलिए बदलाव को स्वीकारना बहुत जरूरी है। बस ऐसा करते हुए ऐतिहासिक अनुभवों से निकले मानवीय मूल्यों पर दृढ़ रहना चाहिए। जानता हूँ कि अभी ये बातें समझने के लिए तुम दोनों बहुत छोटी हो, पर कुछ सालों में जब तुम दोनों बड़ी हो जाओगी तब इनमें से बहुत सी बातें और इससे भी ज़्यादा खुद ही समझने लगोगी। जब तुम पैदा हुई थी तो परिवार, पड़ोस और रिश्तेदारों ने उतना उत्साह या स्वागत का भाव नहीं दर्शाया, क्योंकि हमारे समाज में लड़का होने की ज़्यादा ही अहमियत है। पर मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें वैसे ही लाड़ प्यार से पाला जिसका हक किसी भी संतान को होता है, और हमें उम्मीद है कि तुम दोनों अपने होने को पूरी तरह से सिद्ध करोगी। किसी दबाव में नहीं, बल्कि सहज और सचेत तरीके से। जीवन में गलतियाँ होंगी, असफलताएँ भी मिलेंगी, पर उनसे हताश और निराश ना होकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। सब कुछ उपलब्ध हो तो जीने में कोई मजा नहीं। कोशिश करके छोटी चीज़ भी पा लेने की जो खुशी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसीलिए मेरी प्यारी बच्चियों, अपना ख्याल रखते हुए और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी को भरपूर जियो। तुम्हारे पापा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मुझे पता है कि तुम बेहतरीन दुनिया और खुशहाल ज़िंदगी की हकदार हो। तुम्हारा पापा आलोक मिश्रा। तो ये कुछ पत्र मैंने एक ख़ास समय में ख़ास भावनाओं के तहत कभी अपने विद्यार्थियों के लिए, कभी अपनी बेटियों के लिए। एक समय एक पत्र मैंने लिखा जब बलात्कार की कुछ घटनाएं आई जम्मू से और उत्तर प्रदेश से, तो उस समय मैंने संबोधित करते हुए बेटियों को एक पत्र लिखा जो नवभारत टाइम्स में आया। तो पत्र लिखना केवल एक विधा तो है ही, एक महत्वपूर्ण विधा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम अपनी भावनाओं को परोस पाते हैं पत्र लेखन में, खासकर उनसे जिनको हम संबोधित कर रहे हैं, उतना और विधाओं में खासकर मैं अपने आप को सहज नहीं पाता। तो मेरी गुजारिश भी है और उम्मीद भी है कि आप लोग भी पत्र लिखें, समय समय पर खुले पत्र लिखें, अपने से जुड़े हुए लोगों को पत्र लिखें, उनको शेयर करें लोगों के साथ। तो ये बहुत खूबसूरत विधा जो हमारे परंपरा से अब तक जो हम पत्रों को लेकर बहुत बहुत जुड़ाव महसूस होता है हम लोगों को, वो एक विधा के रूप में जीवित भी रहेगी इस सोशल मीडिया व्हाट्सएप के ज़माने में, और उसका महत्व भी बना रहेगा। स्कूलों में बेशक हम लोग अनौपचारिक औपचारिक पत्र अभी भी बच्चों को लिखवाते हैं और वो सीखते हैं, पर वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए हो पाता है, क्योंकि जीवन में उनका प्रयोग आजकल कम हो गया है इस तरह के द्रुतगामी जो हमारे साधन हैं उसकी वजह से। तो अगर हम खुले पत्रों का की एक जो परंपरा है उसको अगर हम पकड़ लें और वो लिखना शुरू करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतरीन होगा। हमारी परंपरा में लोगों ने किस तरह से संबोधित कर करके लोगों को पत्र लिखा। गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा कि ये जो आप कर रहे हो हिंसा का रास्ता और लोगों को मार रहे हो ये गलत है, और जो भविष्य होगा वो आपकी इस बात पर गर्व तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। हिटलर को जाहिर सी बात है नहीं सुननी थी उनकी बात, लेकिन वो जो विरासत है कि उसी समकालीन में गांधी और हिटलर, आज हिटलर किस तरह से याद किए जाते हैं और गांधी वो पत्र लिखने वाले जिनके पत्र का हिटलर पर कोई असर नहीं था, आज गांधी किस तरीके से याद किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधा है। एनसीईआरटी की किताबों में कुछ पत्र शामिल किए गए हैं, जैसे गांधी की जिस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ जो 1940-41 के आसपास लिखी गई थी, वो एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की
नौवीं या दसवीं कक्षा में शामिल है। तो इस तरह से नेहरू के पत्र शामिल हैं। तो बहुत से पत्र हमारे सिलेबस में जो बच्चे पढ़ते हैं और हमारी परंपरा, हमारी विरासत बन चुकी हैं वो पत्र, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुके हैं विरासत के। तो पत्रों को लिखा जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, और उनको साझा किया जाए। तो आज चूँकि यही मुद्दा था और ये दो पत्र मैंने छांटे थे आप लोगों को सुनाने के लिए, तो मैंने वो सुनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया और आभार आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। जन सरोकार मंच को शुक्रिया जो इतना बेहतरीन काम कर रहा है, अलग अलग विधाओं में अलग अलग फील्ड के लोगों को लाकर और उनसे बातचीत करना सच में एक अनोखा काम है। तो शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद।